हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैग्रीन करियर में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने झारखंड का एक सीरीज चला रहा था, उसी को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनजातियों के विषय में। किसके विषय में? झारखंड की जनजातियों के विषय में। तो हम लोग पहले हेडिंग डालते हैं। झारखंड की जनजातियाँ। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, जैसे जनजाति मीन्स जनजातियों में आते कौन है। तो सबसे पहले बात हम जानते हैं कि जनजातियाँ काफ़ी टाइप्स के थे, जैसे इनमें भी बहुत सारे टाइप्स थे जनजातियाँ। टोटल अगर हम बात करें झारखंड में, तो अभी 32 या फिर बोल सकते हैं कि 33 है, 32 है मेनली, लेकिन एक और ऐड किया गया है और उसका लेके टोटल अभी झारखंड की जनजातियों को अगर देखें हम, तो टोटल 33 है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर हम बात करते हैं झारखंड की जनजातियों के विषय में, तो इसे मेनली देखते हैं कि आइए झारखंड की जनजातियों को जानने से पहले हम इंडिया लेवल पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें भारत के स्तर पर, तो भारत के स्तर पर अगर हम बात करें भारत का, तो भारत में जो नंबर वन में आता है जो जनजाति, उसका नाम क्या है? तो मतलब नंबर वन मीन्स जिसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो आता है भील। पहला स्थान पर कौन आता है? भील। अगर इसी तरह हम दूसरा स्थान पर बात करें, तो दूसरा स्थान पर आता है हमारा गोंड। ये किस स्तर पर है? ये भारत के लेवल पर है, मतलब इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनजाति जो है सुभील है, उसके बाद गोंड है। और अगर हम लोगों ने बोला, हमने बोला कि भारत के स्तर पर देखते हैं, अगर हम इंडिया लेवल पर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जनजाति है या फिर जिसका बहुलता ज़्यादा है, कौन है? भील है। और दूसरा जो है वो गोंड है। और अगर हम बोले सबसे ज़्यादा विकसित जनजाति, कौन सा? विकसित। जो सबसे ज़्यादा विकसित जनजाति है, उसका नाम है मीना जनजाति। सबसे ज़्यादा विकसित कौन है? मीना। और देखिए, अगर हम बात करें मीना जनजाति, तो ये कहाँ, इसकी बहुलता ज़्यादातर राजस्थान वाले क्षेत्रों में है। उसी तरह भील का भी जो है, ये भी ज़्यादातर राजस्थान में है। ये हमारा जो गोंड जनजाति है, ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। ये रहे हमारे इंडिया लेवल पर कुछ। अगर हम बात करते हैं झारखंड के स्तर पर, तो जो सबसे नंबर वन स्थान पर आता है वो है संथाल, उसके बाद आता है उरांव, इसी तरह से आगे है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं झारखंड के स्तर पर, तो आइए हम पढ़ेंगे झारखंड का ट्राइबल्स के विषय में, झारखंड के जनजातियों के विषय में। तो इसे हम रफ करते हैं। हम लोगों ने बोला कि झारखंड में टोटल 32 जनजाति है। ठीक है, अगर हम इसका जनजाति पर बात करें, तो टोटल जो है सो कितना है? 32 है। इसमें से भी अगर हम बात करते हैं, तो 8 अलग किया गया है जो आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? आदिम जनजाति। ये 8 आदिम जनजाति, और जो बच गए 24, ये क्या है? अनुसूचित जनजाति है। ये क्या है? अनुसूचित जनजाति। देखिए, अगर हम बात करते हैं झारखंड के जनजातियों के विषय में, तो जिस समय हमारा झारखंड अलग हुआ था, जिस समय हमारा झारखंड का गठन हुआ था, उस समय झारखंड में टोटल 30 जनजाति थे। कितने थे? टोटल 30 जनजाति थे। लेकिन APJ अब्दुल कलाम जो हमारे जब राष्ट्रपति थे, उस समय 2003 में इन्होंने दो और जनजातियों को ऐड किया था, और वो दो जनजाति का नाम है हमारा कंवर और कौल। कौन सा? कंवर और कौल। हम लोगों ने क्या बोला, नोट कीजिएगा, कि जिस समय हमारा झारखंड का गठन हुआ था, उस समय झारखंड में टोटल 30 जनजाति था। उसके बाद जब हमारे APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, उस समय इन्होंने 2003 में दो और जनजाति को ऐड किया था झारखंड में, और उन दोनों का नाम है कंवर और कौल। ये दोनों को क्या किया? 31वां और 32वां स्थान मिला था। जैसे ऑलरेडी 30 मेरा झारखंड में पहले से था, और दो और ऐड किया गया था, एक 31वां नंबर और दूसरा 32वां स्थान। ठीक है, अब ये जो है, हमने बताया कि मतलब APJ अब्दुल कलाम जी ने इन दोनों को ऐड किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये 8 आदिम जनजाति के विषय में, तो एक योजना आई थी PVTG प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसके तहत जो भी हमारे 8 जनजाति थे, उन लोगों को क्या किया जाता था? घर घर जाकर चावल का बोरा पहुंचाया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था? घर घर जाकर चावल का बोरा पहुंचाया जाता था। किस योजना के तहत? PVTG प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के तहत घर घर जाकर क्या किया जाता था? चावल पहुंचाया जाता था। किन लोगों को? तो ये 8 आदिम जनजाति जो थे, उन लोगों को। ठीक है, ये रहा मेरा जनजाति। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम बात करें झारखंड का स्थान, ठीक है,
झारखंड का स्थान अगर देखते हैं हम भारत लेवल पर, तो ये सातवां स्थान है जनजाति का जनसंख्या के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और अगर हम देखते हैं कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से, अगर प्रतिशत में हम देखें तो भारत में ये जो है सो दसवां स्थान पर है। किस केवां स्थान पर? दसवां स्थान पर है। क्या बोला हमने, क्या बोला कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान जो है भारत लेवल पर ये सातवां नंबर पर है, और प्रतिशत के दृष्टिकोण से ये दसवां नंबर पर है। और फिर इसी के साथ अगर हम बात करें तो देखिए, हम लोग पहले कुछ जो ये जो आठ आदिम जनजाति इन लोगों को देख लेते हैं। ये जो आठ आदिम जनजाति है इन आठों का नाम देख लेते हैं। इन आठों का नाम है माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया, बिरहोर, बिरजिया, असुर, सबर, परहिया और कोरवा। ये है हमारा आठवां आदिम जनजाति। अब देखिए, ये जो आठ हमारे आदिम जनजाति थे, इन लोगों का हम देख लेते हैं एक सर्कल वाइज, मीन्स एक चक्र बना के, कि किसका कितना परसेंटेज था हमारे झारखंड में। देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या था वो हमारा किसका था? माल पहाड़िया का। उसके बाद सोरैया पहाड़िया का था। तो माल पहाड़िया का कितना था वो देख लेते हैं। देखिए, माल पहाड़िया का जो था हमारा, छियालीस परसेंट था। किसका? माल पहाड़िया का। सोरैया पहाड़िया का अगर हम देखते हैं, 16%। कोरवा का था हमारा 12%। और परहिया का 8%, देखिए हम लोगों ने आदिम जनजाति को परसेंटेज वाइज देखा क्या। तो सबसे ज़्यादा जो था हमारा जनसंख्या माल पहाड़िया का था, वो कितना था? 46% टोटल। ये हम जो देख रहे हैं झारखंड में जो जनजाति था आदिम जनजाति, उसका अगर हम देखते किसी भी चीज़ को, जैसे हम अगर देखते 100% में, तो आदिम जनजाति में को अगर हम 100% देखते तो उसमें माल पहाड़िया कितना था? 46% था। सोरैया पहाड़िया 16% था। कोरवा पहाड़िया, कोरवा का अगर हम बात करते हैं तो कोरवा कितना था? 12% था। परहिया 9% था। असुर इसी तरह 8% था। बिरहोर का परसेंटेज कितना था? 4%। सबर का 3% और ब्रजिया का इसी तरह 2% था। ये रहा हमारा आदिम जनजाति का। इसी तरह हम देख लेते हैं और जो हमारा जो 24 है उसका देख लेते हैं, कि उसका जो इस चक्र के माध्यम से देख लेते हैं कि उसका परसेंटेज कितना है।
तो देखिए, हम लोग देख रहे थे कि जो भी जनजाति थी उसको, तो जनजातियों में अगर हम देखते हैं तो हम लोगों ने क्या बोला कि जनजाति में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे पहला स्थान पर जो है वो है हमारा संथाल, फिर है उराव, फिर है मुंडा, हो, इस प्रकार से हमारा जो है जनजाति है। ठीक है, तो देखते हैं संथाल का कितना है। तो अगर हम बात करें संथाल का, तो उसका अगर हम झारखंड में बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने बताया, हमने बताया अभी कि किसी भी चीज़ को हम 100% में देखते हैं, तो अगर हम झारखंड का सिर्फ और सिर्फ जनजाति का जनसंख्या देखें तो उसमें जो है हमारा संथाल का वो कितना था, 34% है संथाल का जनसंख्या। और इसी तरह अगर हम उराव का देखें तो उराव का कितना है, 19.86। इसी तरह मुंडा का 14.22% है, हो का 10.7%। और देखिए, ये आ गया मेरा पहला स्थान पर, उराव दूसरा, मुंडा तीसरा, हो चौथा स्थान पर आ गया। अब पाँचवा में हमारा, देखिए मेनली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा चौथा में जानने से पहले हम ये देख लेंगे ना कि इसका जनसंख्या, चूंकि आदिम जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा हो जा रही है थोड़ा खड़िया की अपेक्षा में, इसलिए आदिम जनजाति को क्या किया, पहले दे दिए हैं खड़िया की अपेक्षा में स्थान। इसलिए आदिम जनजाति की जनसंख्या कितनी है, अगर हम बात करें झारखंड की जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो प्रतिशत में कितना है, 3%। और इसी तरह खड़िया का है 2.27%। और बाकी जो जनजातियाँ बच जाती हैं वो सारे किस में आ जाती है, इसमें, इसमें लगभग 14 से 15% के लमसम में कुछ आता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा झारखंड का जो भी जनजाति था उसको। अगर हम बात करें कि झारखंड का जनजाति में उसका पॉपुलेशन कितना था, तो उसका पॉपुलेशन था, अब ये जो था हमारा झारखंड का जनजाति था उसका जनसंख्या, और इसी में अगर हम देखें इसका प्रतिशत, अगर हम पूरा इंडिया पर देखें, ये जो हम देख रहे हैं, अगर हम प्रतिशत देखें इंडिया लेवल पर, तो कितना, सॉरी, अगर हम इसका प्रतिशत देखें झारखंड में, तो ये कितना था, 26.2%। किस, कहाँ, झारखंड में, झारखंड में जनजातियों की प्रतिशत कितना है, 26.2% टोटल जनसंख्या का। अगर हम बात करें किसका, टोटल जनसंख्या का झारखंड में जो जनजातियों का प्रतिशत है वो कितना है, 26.2%। और अगर हम बात करें आदिम जनजाति का, आदिम जनजाति का अगर हम बात करें, तो उसका जो जनसंख्या है वो है, सॉरी, 2,92,359। वो कितना है, 2,92,359। ये किसका है, आदिम जनजाति का, किसका, आदिम जनजाति का। आदिम का जो जनसंख्या वो कितना है, 2,92,359। और अगर हम इसका प्रतिशत देखें तो इसका प्रतिशत कितना है, 3.38%। कितना है, 3.38%। अब ये हो गया। और अगर हम झारखंड में देखें, ये समझिए तो इंडिया लेवल का, और अगर हम झारखंड में देखें तो झारखंड में आदिम जनजाति का प्रतिशत है 0.88%। कितना, 0.88%। ठीक है, अब देखिए ये सारा जो भी है ये किसका है, 2011 का जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार से, किसके अनुसार से, 2011 में जो सेंसस आया था हमारा उसी के अनुसार से ये सारा डेटा है। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, किस ज़िले में सबसे अधिक जनसंख्या है, किस ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है, तो उसका चर्चा करते हैं। तो इसे हम पहले रफ कर लेते हैं। देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वो कहाँ है हमारा, तो वो हमारा रांची में और पश्चिमी सिंहभूम में। और अगर हम सबसे कम देखें तो ये जो सबसे कम है ये है हमारा कोडरमा, कोडरमा में और चतरा में। ये रहा हमारा जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें प्रतिशत के दृष्टिकोण से, ये जनसंख्या पर रहा अधिक और कम। अगर हम प्रतिशत का बात करें तो प्रतिशत के आधार पर जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है हमारा खूंटी में और सिमडेगा में, खूंटी में और सिमडेगा में। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जैसे हम लोगों ने बता दिया था कि टोटल जो जनजाति का प्रतिशत है वो 26.2% है। और अगर हम बात करें तो मतलब जो जनजाति है वो झारखंड में मेनली चार स्तर पर बांटा गया है। कितने स्तर पर, चार स्तर पर बांटा गया है। वो चारों कौन कौन है देखते हैं।
ऐसे लिखते हैं, निर्वाह के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। मेनली इसे चार लेवल पर बांटा गया है, ठीक है। पहला में जो आता है हमारा, वो है हमारा घुमंतू जनजाति। अब ये घुमंतू जनजाति में देखिए, हम लोग बात करते हैं घुमंतू जनजाति का, तो हम लोग को नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि घुमंतू जनजाति में, घुमंतू मीन्स क्या होता है, घूम फिर कर अपना कार्यकाल करने वाला या फिर अपना जीवन यापन करने वाला। ये क्या करते थे, एक जगह स्पेसिफिक मतलब अस्थाई जीवन ये नहीं जीते थे, ये क्या करते थे, अलग अलग जगह जाके अलग अलग तरीक़ों से रहते थे। जैसे अगर किसी जगह से कहीं और गए, सपोज इस जगह से उठ के यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर क्या करते थे, इस जगह का सफाई वगैरह करना, सफाई वगैरह करके फिर झोपड़ियों का निर्माण करना, झोपड़ियों का निर्माण करने के बाद वहाँ पर जीवन यापन करते थे। ये जो है सो ज़्यादातर झोपड़ी का निर्माण पेड़ के पत्ते वगैरह से, झाड़ियाँ वगैरह से या फिर पेड़ के लकड़ियों वगैरह से बनाया करते थे, ठीक है। और ये अपना भोजन जो ग्रहण करते थे, ये ज़्यादातर जानवरों को मार कर या फिर मतलब जंगल से प्राप्त फल फूल से अपना भोजन करते थे, भोजन ग्रहण करते थे। और तो और ये जो है सो मतलब ये घुमंतू जनजाति में जो आते थे, ये क्या करते थे, तो जो भी पेड़ वगैरह से लकड़ी प्राप्त होती थी, वो लकड़ियों से अलग अलग चीज़ें तैयार कर, जैसे मतलब ढोलकी वगैरह होता था, उन सारे चीज़ों को तैयार कर क्या करते थे, मार्केट तक ले के बेचते थे। और वही उसी से जो प्राप्त मूल्य होता था या फिर जो चीज़ें प्राप्त होती थी, उसे क्या करते थे, अपना जीवन यापन में उसे लगाते थे। और इसके अंतर्गत जो मेनली अगर हम देखते हैं, तो जो जनजातियाँ आती थी वो बिरहोर हो गया, खड़िया, ये सारे किस्म के जनजातियाँ आते थे। घुमंतू जनजाति में क्या कौन आता था, बिरहोर, खड़िया, ये सारे जनजातियाँ आती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा जनजाति का, जो दूसरा वर्गीकरण है हमारा वो दूसरा। और तो और देखिए एक चीज़ और, ये कृषि पर भी निर्भर थे, ये कृषि वगैरह भी किया करते थे कभी कभी, ठीक है। जो दूसरा जनजाति था हमारा वो घुमंतू कृषक जनजाति था। तीसरा जो था कृषक था, चौथा शिल्प जनजाति था। देखिए हमने बोला कि घुमंतू जनजाति में क्या होता था, ये लोग नाम मात्र के कृषि करते थे। लेकिन ये जो दूसरा हमारा घुमंतू कृषक जनजाति, इसमें जो है हमारा सौर्य पहाड़िया और कोरवा जनजाति जैसे आते थे, ठीक है। इसमें ज़्यादातर सौर्य पहाड़िया हो गया, कोरवा, ये सारे जनजातियाँ आते थे। इसमें क्या होता था, लोग इसमें भी मतलब कृषि वगैरह पर इसमें भी निर्भर थे। और ये क्या बोले कि जो घुमंतू कृषक जनजाति में थे, ये भी कृषि, ये तो पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर थे। ये क्या करते थे, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके शिफ्ट हो रहे, तो उस स्थान पर जहाँ पर ये जाते थे, वहाँ क्या करते थे, वहाँ पर सफाई वगैरह करना, वहाँ पर खेत वगैरह तैयार करना, खेत वगैरह तैयार करके वहाँ पर कृषि करना, ये सारे काम कौन करते थे, ये घुमंतू कृषक जनजाति थे। और फिर से अगर उस जगह से भी कहीं और उठ के जा रहे, तो वहाँ भी इनका कार्य यही रहता था, क्या कि उस जगह का सफाई करना, खेत वगैरह तैयार करना और फिर से वहाँ खेती करना, ठीक है। ये भी घुमंतू किस्म के थे, ये तो स्पष्ट हो गया। और इसके साथ ही ये इनका भी भोजन जो था, ये ज़्यादातर जानवरों को मार के खाना, मतलब शिकार वगैरह करना, फिर फल फूल पर निर्भर था। अगर हम बात करें कृषक जनजाति का, अब कृषक जनजाति में देखिए, कृषक जनजाति में जो हमारा आता था, संथाल, हो, उरांव, भूमिज, ये सारे जनजातियाँ आते थे और बहुत सारे थे, ठीक है। तो ये कृषक जनजाति में, ये कृषक जनजाति में क्या करते थे, ये लोग भी कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। जनजाति के अंतर्गत कौन आते हैं, तो संथाल, हो, उरांव, भूमिज, ये सारे जनजातियाँ आते हैं, ये भी कृषि पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट थे, ठीक है। और अगर हम बात करें चौथा शिल्प जनजाति का, तो जो देखिए शिल्प जनजाति में ज़्यादातर महली, कुरमाली, लोहरा, चीक बड़ाइक,
ये सारी जनजातियाँ आते थे। देखिए शिल्प जनजाति में इन लोगों का कार्य क्या था, इनका कार्य था कि चीज़ों को तैयार कर मार्केट में लेके बेचना, ये इनका व्यवसाय था। और उसी से प्राप्त मूल्य को क्या करते थे, अपना जीवन यापन में, अपना दैनिक दिनचर्या में इसे उसे क्या करते थे, उपयोग में लाते थे। अब महली वगैरह ये सारे जो थे, मतलब चीज़ों को तैयार, मतलब एक होता ना किसी का हाथ का जो अपना कला होता है, तो उसे सारी चीज़ों को तैयार करना। इनमें जैसे लोहरा जनजाति का अगर हम बात करते हैं, तो लोहरा जनजाति ज़्यादातर लोहा वगैरह का कार्य करते थे, ठीक है। इसी में फिर सूप वगैरह जो होता है, हमारा गांव वगैरह में जो चलता है, सूप हो गया, फिर बड़ा बड़ा कुछ बहुत सारा चीज़ जो बाँस से बनाया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को तैयार कर क्या करते थे, ये मार्केट तक ले जाते थे और उसे फिर बेचते थे, ठीक है। तो आज हम यहीं रखते हैं, कल से फिर हम एक एक करके सारी जनजातियों को देखेंगे, जो भी हमारे 32 जनजाति है। कल से हम पहले संथाल जनजाति से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि संथाल जनजाति जो है हमारा झारखंड का जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान पर है, इसलिए। तो कल हम लोग संथाल से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना सीरीज़ को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।